કેમ છો? બધા મજામાં? મેં આપકી ગાર્ડનિંગ દોસ્ત ઉષા પટેલ. આજ મેં આપકો મની પ્લાન્ટ કો ઘના સા જંગલ જૈસા કૈસે બનાએ ઇસકે બારે મેં મેં આપકો બતાતી હું. આપને દેખા હોગા, દેખો યે મેરા પ્લાન્ટ. તો આપને દેખા હોગા કહી કે ઘર મેં એસી એક છોટી સી ડિબ્બી મેં લગાયા હુઆ ઓર એક પતલી સી ડંડી ઉપર જા રહી હૈ और आगे आगे एक दो पत्ते आ रहे हैं, पीछे पीछे दो पत्ते सूख रहे हैं. तो ऐसा प्लांट होगा तो क्या होगा, वो हमारे गार्डन की शोभा को बिगाड़ देगा. तो आपको मेरे जैसा घना मनी प्लांट कैसे बनाना है इसके बारे में मैं आज बात करूंगी. पहला मैं बताती हूँ कि मनी प्लांट इंडोर और आउटडोर दोनों तरह हम ग्रो कर सकते हैं. उसको पानी में भी हम ग्रो कर सकते हैं, हम घर के अंदर भी रख सकते हैं, घर के बाहर भी, पर हमें उसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है. ये मेरा प्लांट हमेशा मेरे घर के आगे, देखो मेरे आंगन में सबसे पहले मेरे फर्स्ट प्लांट मेरा मनी प्लांट है. मनी प्लांट को लोग सूप भी मानते हैं क्योंकि वो एक बेस्ट हवा को शुद्ध करने वाला सबसे अच्छा प्लांट है, इसलिए उसको सूप प्लांट माना जाता है. क्योंकि वो हमारे घर की हवा को शुद्ध करता है और हमारा घर के वातावरण को प्रफुल्लित रखता है. हमें इसकी शोभा से भी हमें खुशी मिलती है, इसलिए क्या होगा, हमारा घर का वातावरण अच्छा होगा, हमारा मन भी प्रफुल्लित होगा. मन प्रफुल्लित होगा तो हमारा तन भी अच्छे से होगा, इसलिए हमें इसको सू प्लांट मानता है. ऐसा नहीं है कि मनी प्लांट लगाया और हमारे घर में धन का ढगला हो गया, लेकिन वो हमारा बेस्ट हवा को, घर की हवा को शुद्ध करता है, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, इसलिए हमें उसको सूप प्लांट मानना चाहिए. और देखो वो एक ही पत्ती से ग्रो होने वाला प्लांट है. आप जहाँ जहाँ भी एक एक पत्ती पे देखोगे ऐसे उसके रूट्स होते हैं, कोई भी एक डाली पे तो एक पत्ती से ग्रो होने वाला ये प्लांट है. आप बस एक इतना ही छोटा टुकड़ा ले लो और आप पानी में या मिट्टी में ग्रो कर दो तो तुरंत ही वो ग्रो हो जाता है. मनी प्लांट को हम ऐसे ही ग्रो कर सकते हैं और दूसरा हम इसको मोस्टिक पे भी ग्रो कर सकते हैं. तो आज मैं आपको मनी प्लांट को मेरे जैसा घना कैसे बनाइए इसकी मैं कुछ ट्रिप बताऊंगी और कुछ फर्टिलाइजर, तो आप मेरे साथ बने रहिए. तो देखो फ्रेंड, मेरे बच्चों के पास है एक प्लांट और मैंने मोस्टिक के सहारे मैंने खड़ा किया है और ये मोस्टिक मैंने खुद बनाई है. एक डंडी ली थी और इसमें पुराने कपड़े जो भी है उसको लगा दिया और इसके ऊपर एक कपड़ा, नहीं सॉरी, बर्तन घिसने का जो कुचड़ा आता है 10 रुपये वाला, वो मैंने ऊपर लगा दिया है. तो मोस्टिक के सहारे भी हम मनी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं. और आज का हमारा विषय है कि मनी प्लांट को घना जंगल जैसा कैसे बनाए. तो देखो ये मेरा मनी प्लांट का गमला, और गमला भी ऐसा कोई बड़ा नहीं है, आप देख सकते हो कितना, 10 इंच का भी गमला नहीं है, छोटा सा गमला है. कितने सालों से वो अंदर ही गमले में रहती है. तो अभी गर्मी शुरू हो गई है तो इसलिए मैंने लगा दी मेरे ग्रीन नीड. मैंने बताया था कि इसको हमें गर्मी में नहीं रखना है, ग्रीन नेट के नीचे रखना है. तो अब गर्मी बहुत है इसलिए हमें क्या करना है, ऐसी एक स्प्रे बॉटल है उसको भरे ही रखो और यहाँ हमारे प्लांट के पास ही रखना है. और हमें दिन में जब भी टाइम मिले, ऐसा नहीं है कि फिक्स टाइम, जब भी टाइम मिले हम हमारे प्लांट को दिन में 3-4 बार पानी का स्प्रे करते रहेंगे. और जब भी आप पानी का स्प्रे करो तो जो आपके पास ऐसी स्टिक है मोस्टिक, तो मोस्टिक को भिगोना मत भूलिए. तो मोस्टिक भिगो के रहेगी तो क्या होगा, मोस्टिक के सहारे जो भी प्लांट इसके उसके चिटके हैं उसके रूट्स में पानी मिलेगा, नीचे से भी मिलेगा और मोस्टिक के सहारे से भी इसको पानी मिलेगा. तो दो जगह से पानी मिलने से हमारे प्लांट के पत्ते अच्छे से ग्रीन भी रहेंगे और बड़े भी होंगे. देखो ये पत्ता, ऐसे बड़े बड़े पत्ते भी होंगे. खास उसको पानी का ही ख्याल रखना है हमें अभी गर्मी के मौसम में, और हर साल में हम 2 बार उसको कुछ फर्टिलाइजर देंगे.
तो वो फर्टिलाइजर में बताऊंगी क्या देना है अब फेब्रुआरी महीने में और अगस्त के महीने में। हम साल में दो बार मैं उसको गाय की सड़ी हुई गोबर की खाद देती हूँ और वर्मी कंपोस्ट। कोई भी आप एक खाद साल में दो बार उसको दे दो और हर महीने में एक बार मैं उसको ये देती हूँ इक्को का सागरिका। आप सागरिका को मिट्टी में भी दे सकते हो और स्प्रे भी कर सकते हो। तो देखो एक लीटर पानी में 1 ml लेना है और जब भी हम इसको यूज़ करें उसको हमें अच्छे से हिला देना है, बाद में हमें यूज़ करना है। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, कोई आडर्सन नहीं करता। हर महीने में 20 दिन में आप एक बार सभी प्लांट को दे सकते हो। थोड़ा सा बल्ब बनाएंगे तो क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन हो ज़्यादा बनेगा और हम प्लांट में देंगे। तो हम प्लांट में देंगे तो कैसे, देखो मैं पहले मॉस्टिक के ऊपर डालती हूँ पानी। तो हमें मॉस्टिक को गीली रखना है। हमारी मॉस्टिक जितनी ज़्यादा गीली रहेगी इतना हमारा प्लांट के पत्ते बड़े होंगे और ग्रीन से होंगे। तो आपको पता चल गया कि मनी प्लांट को जंगल से जैसा घना कैसे बनाना है। पानी का स्प्रे करते रहो, ग्रीन नेट के नीचे रखो और साल में दो बार कोई भी कंपोस्ट दे दो और हर 20 दिन में 15 दिन में या महीने में एक बार इफ्को का सागरिका का आप स्प्रे करो। फिर देखो कि मनी प्लांट कितना घना सा जंगल जैसा बन जाता है। तो चलो दोस्तों फिर मिलेंगे टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।